देखो भाई खतरनाक तरीके से वर्क करता है यार ये तो। यहाँ पे मैं स्पॉन कर रहा हूँ इनको। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? तो आप सभी अच्छे होंगे यार। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है रेसिंग रफ्तार। हाँ भाई, आज मैं बात करूंगा माइनक्राफ्ट के बारे में। और अभी मैं यूज कर रहा हूँ क्रिएटिव मोड। क्यों यूज कर रहा हूँ? क्योंकि आज का वीडियो कुछ इस तरह का है ना, इसलिए मेरे को क्रिएटिव मोड यूज करना पड़ रहा है। और तो ऐसा कुछ कारण नहीं है क्रिएटिव मोड यूज करने का ना। हाँ तो भाई, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ तो आप एक एरो लॉन्चर कैसे बना सकते हो ना, जिसमें से एरो निकले, किसी ज़ॉम्बी के लगे, आपके एनिमी के लगे, किसी के भी लग सकता है ना। ट्रैप डोर वाला कैसे भी आप जैसा चाहो वैसे बना सकते हो ना। लेकिन मैं आपको एक ऑटोमेटिक बना के दिखाने वाला हूँ ना। जैसे आप उसको ऑन करोगे तो वो शुरू हो जाएगा, और जब तक उसमें एरो रहेगी वो चलता रहेगा। हाँ भाई ना, तो भाई शुरू करते हैं आज का वीडियो ना। ज़्यादा मुश्किल नहीं है बनाना, बिल्कुल ईजी है, आप आसानी से इसको बना लोगे। तो देखो, ये एक फ्लैट मैप। तो सबसे पहले बात करते हैं आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए उसको बनाने के लिए ना। हाँ भाई, तो ना सबसे इम्पोर्टेंट, आप सभी को भी पता है कि इसके बगैर हमारा काम चल ही नहीं सकता, जो है रेडस्टोन। दोनों तरह के चाहिए ना, टॉर्च भी चाहिए और आप सभी को डस्ट भी चाहिए ना। इसके अलावा आप सभी को डिस्पेंसर चाहिए, वो चाहिए भाई, है ना। सब कुछ चाहिए, सब कुछ लगता है। और यहाँ से आप कोई सा भी आपका जो मन करे वो ब्लॉक ले लेना ना। तो शुरू करते हैं, और जो चाहिए होगा ना मैं वीडियो के साथ साथ में बता दूँगा आप सभी ना। इस तरह से आप नीचे ज़मीन में बनाना चाहो, वहाँ पे बनाना चाहो, कहीं पे भी बना सकते हो ना। तो मैं थोड़ा हवा में बना के दिखाऊंगा आप सभी ना। तो भाई ये ना, इस तरह से जितने बड़ा बनाना चाहो उतना बड़ा बना सकते हो, लेकिन जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे भी आप बना सकते हो। और इसको बनाने के काफ़ी तरीके यार, मैं आपको जो अच्छा लगे वैसे आप बना सकते हो ना। तो भाई देखो, इस तरह का आप सबको एक स्ट्रक्चर बना लेना है, देखो ना, और ये बहुत मस्त है ना। और यहाँ पे आप सबको डिस्पेंसर रख देना इस तरह से, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। देखो मैंने रख दिया। अब आप सबको क्या करना है ना, यहाँ से पीछे से दो ब्लॉक तक इसको बड़ा करना है, जैसे दो ब्लॉक तक है ना। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो। और यहाँ से इस तरह से एक लाइन बनानी है, बिल्कुल ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं इसमें ना। और ऐसे तीन ब्लॉक तक यहाँ से बनानी है ना इस तरह से, भाई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आसान है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। देखो इस तरह से भाई, ये देखो हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है, तो ना इस तरह का मस्त है भाई, मस्त है। यहाँ पे देखो आप सबको कुछ कलाकारी करनी है, और वो कलाकारी क्या है वो अब मैं दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आप सबको एक ब्लॉक रखना है कुछ इस तरह से, उसके बाद आप सबको लेना है रेड स्टोन रिपीटर लगेगा यहाँ पे। देखो ये रहा रेड स्टोन रिपीटर, इसको यहाँ पे लगाना है इस तरह। अरे लग जा भाई, और देखो यहाँ पे लगाना है, और ये इस तरफ से लगाना है ना, इस तरफ से देखो। अब देखो इस तरह, यहाँ से इस तरह से लाइन बनानी है आप सबको डस्ट की, और ना इस तरह से यहाँ तक लेके जाना है इसको, बिल्कुल बिल्कुल यही है बिल्कुल। तो ये क्या है ना, ये एक क्लॉक है, रेड स्टोन की क्लॉक। देखो भाई इसको ऑन करते ना तो ये शुरू हो जाता है, देखो इस तरह से वर्क करता है ये, समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप इसको ना, इसका टाइम बढ़ा सकते हो, देखो ना जैसे आप इसको बड़ा करते हो तो इसका टाइम बढ़ जाता है, देखो धीरे धीरे ना यहाँ पे फुल वर्क करता है ये। तो इसको मैं अभी रोकने के लिए यहाँ पे इसको हटा देता हूँ ना। अब यहाँ पे देखो कुछ का आपसे, यहाँ पे भी कलाकारी करनी है, यहाँ पे आपसे कुछ इस तरह से रिपीटर लगाना है ना, ताकि ये अटैच हो सके एक सभी से। देखो कुछ इस तरह से, अगर आप इसको बिना ऐसे करोगे ना देखो तो फिर ये अटैच नहीं होते, कोई इस तरह से लाइन्स ही बन जाती है, और ये इसका अटैच नहीं होता है, कनेक्ट नहीं होता, अटैच नहीं होता। जो भी बोलना चाहो आपसे बोल सकते हो, देखो इस तरह से ना। और इसको यहाँ पे जोड़ देना है, बिल्कुल हमारा काफ़ी हद तक काम पूरा हो चुका है ना। अब देखो मैं यहाँ पे कुछ अलग करने वाला हूँ यहाँ से ना, तो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत एरिया बनाऊँगा ना। यहाँ पे हम छोड़ेंगे ज़ॉम्बी, क्रीपर तो छोड़ सकते हो, क्रीपर फट जाएगा यार, उस पर अटैक करूँगा तो यार। ज़ॉम्बी छोड़ेंगे यहाँ पे ना, ताकि उनसे उन पर एरो लगे ना तो मरेंगे, मज़ा आएगा भाई यार देखने में। तो काफ़ी इतना बड़ा एरिया बनाना नहीं चाहिए था, इसके बराबर में बनाना चाहिए था, लेकिन मैंने बना दिया, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पे ना देखो एरिया बन चुका है, रेडी भाई, सब कुछ रेडी है ना। होए होए भाई, देखो का क्या स्ट्रक्चर, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे ना। तो ये मैंने बनाया ना, ये मैंने सोच समझ के बनाया अपनी तरफ से ना। तो ये आप सभी को पता नहीं कहाँ पे मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसे मैं बोल नहीं सकता ना। तो मैंने अपनी तरफ से बनाया, सोच के ये कैसे वर्क करता है ना। तो अब इसमें एरो रखना है आप सभी, जितना चाहो उतना एरो रख सकते हो, देखो काफ़ी जगह होती है इसमें एरो रखने के लिए, रख सकते हो भाई ना। मैं सब में ओनली थोड़े बहुत रख रहा हूँ ना, देखो थोड़े बहुत सब में हो गया क्या, आप देख लो तो इसमें भी है भाई सब में, तो भाई सब में ना हो चुका है सब में, देखो सब में आ गया एरो आ गया। देखो बस हमारा काम अब पूरा हो चुका है ना। यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत ये लगा देता हूँ फैंस है ना,
ताकि ये क्रीपर ज़ॉम्बी है ना बस साले बाहर निकल के नहीं भाग सके भाई ना। बेसिकली यार दिन में तो वैसे भी मर जाएंगे ना, स्केलेटन क्या छोड़ यहाँ पे ना, जो भी आपका मन करे। देखो इस तरह से मैंने लगा दिया, ओ भाई पूरा स्ट्रक्चर बन के तैयार है ना। अब देख लेते ज़ॉम्बी, वैसे जल जाता है दिन में ज़ॉम्बी, फिर भी जिसके सिर पे हेलमेट होगा वो तो नहीं जलेगा ना। हाँ भाई वो तो नहीं जलेगा। ये देखो ज़ॉम्बी वाला एग ले लिया मैंने ना, यहाँ पे छोड़ते जल गया भाई। किसी में तो हेलमेट आ जाओ, हाँ इसमें हेलमेट आ गया, चलो अच्छा है, इसमें तो पूरा आर्मर आ लिया इसने, सही है भाई ना। तो अब शुरू करते हैं हमारा स्ट्रक्चर। तो आप कुछ भी नहीं करना, वो निकल के भग गया। बेसिकली एरो शुरू होने दो, उसके बाद में उनको स्पॉन कर दूंगा। देखते हैं यहाँ से कुछ और स्पॉन कर सकता हूँ कि मैं, एक बार देख लेना तो मेरे को। भाई सॉरी है ना, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है यार। तो एनिमल स्पॉन कर लेते हैं ना, ज़ॉम्बी पिगलिन जो पिगमैन है ना ये स्पॉन कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये भी उतर के भागेंगे क्या? तो यार उतर के क्यों भागते हैं लोग यार, कोई बात नहीं। देखो शुरू करते हैं इसको, बस ऐसे के लिए शुरू हो जाए। देखो भाई शुरू हो गया हमारा एरो लॉन्चर, देखो भाई खतरनाक तरीके से वर्क करता है यार ये। तो यहाँ पे मैं स्पॉन कर रहा हूँ इनको। ओए ओए भाई देखो यार क्या तगड़ा है भाई, देख देखो भाई देखो यार। ये आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पे अटैक कौन कर रहा है, और इनको पता नहीं इन पे अटैक एरो लॉन्चर से हो रहा है। देखो भाई है ना मस्त भाई, देखो मस्त है। देखो मर गए मर गए, अरे मर गए, एक बचा है ओनली। देखो भाई सारे एरो खत्म हो गए ना, और एक इनमें से बच गया, वो भग गया निकल के। जैसे आप इसमें एरो रखते हो फिर से शुरू हो जाता है। मस्त भाई काफ़ी अच्छा वर्क करता है। देखो एरो लॉन्च आ रही है, और ओनली एक वाला बना सकते हो आप, ओनली यहाँ पे एक है ना इस तरह बना सकते हो। मज़ेदार है यार, मज़ेदार मज़ेदार। ओ भाई ओ मैंने उसको तोड़ दिया, कोई बात नहीं टूट जाए तो। लेकिन इतने एरो निकल रहे हैं ना तो लैग कर रहा है थोड़ा बहुत, एरो की वजह से लैग कर रहा है ये। जैसे एरो जाएगा ना ये बिल्कुल सही हो जाएगा, तो वेट करते थोड़ा बहुत एरो के जाने का। तो भाई सारे एरो चले गए ना, तो हमारी मशीन को भी थोड़ी देर रोक देते हैं यहाँ से, इसको हटा के मैं इसको रोक देता हूँ। चलो भाई रुक गई सारी मशीन। ओ भाई अब एरो देखो भाई कितने एरो मारे इसने यार। ओए कलेक्ट भी हो गए मेरे वहाँ पे जाने से, कलेक्ट हो गए। ओ यहाँ तक आ गए यार, देखो यहाँ पे भी है ये भी कलेक्ट हो रहे हैं। करूँगा क्या इनका कलेक्ट करके मैं भाई। देखो मस्त है ना, आपसे को काफ़ी पसंद आई होगी यार ये वाली मशीन। ये है एक एरो लॉन्चर। तो भाई यही है एक एरो लॉन्चर, देखो ना काफ़ी अच्छा भाई है ना। मैंने किसी की कॉपी नहीं की ना, ये मैंने अपनी तरफ से बनाने की कोशिश की है। फिर भी अगर ये वाला वीडियो इस टाइप का आप सभी को कहीं पे मिल जाए ना, तो इसको कॉपी बिल्कुल मत समझना, क्योंकि यार मैंने तो कहीं पे भी नहीं देखा ना, अपनी तरफ से इसको बनाने की कोशिश की है। और आप सभी को मैं आशा करता हूँ ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा आप सभी को यार है ना। तो भाई यही है एक एरो लॉन्चर, काफ़ी अच्छा वर्क करता है ना यार। देखो ना आप इसमें सबसे बड़ी बात इसकी है ना, मेरे को ये काफ़ी अच्छा लगती है ना, आप इसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। देखो जैसे आप इसको यहाँ से फुल कर देते हो ना, फिर ये देखो धीरे धीरे वर्क करने लग जाता है। आप ना एरो की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो, तो जैसे इसमें एरो रखोगे ना तो धीरे धीरे जाता है। देखो भाई है ना, ये इसकी और भी अच्छी जगह है भाई, काफ़ी अच्छा फीचर है इसका ना। तो इसको जैसे आप यहाँ पे करते हो जल्दी जल्दी जाना जाए, और या को यहाँ पे यहाँ से करते हो तो थोड़ा तेज़ और थोड़ा धीरे धीरे। देखो भाई है ना यही है भाई है ना, काफ़ी अच्छा है, यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर पाओगे, काफ़ी अच्छा मज़ेदार है यार है ना। तो यार यही आज का वीडियो, आज मैंने बनाया एक एरो लॉन्चर। तो यार मैंने तो बनाया है ना, आप भी बनाओ, जरूर बनाओ इसको ना, और कभी भी लगा सकते हो एरो लॉन्चर को ना। तो यही आज का वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना वीडियो को यार, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर आप नए आए हो। आपने करके रखा है तो धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। तो मैं बोलूँगा आपको उसे मज़ेदार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।